चहु और हुआ ये शोर हुआ, उन्नति का घन घन गोर हुआ। खुशियों का बादल बरसा है, ना जीवन अब कोई तरसा है, कर्मठता की है ताप सघन, यूपी का चेहरा बदला है। आप सोचिए जो हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे साथी हैं, आप सोचिए यहाँ से 5 साल पहले आपके गांव में रास्ता था, आज से पहले आपके गांव में 20 घंटा बिजली आती थी। शहर से सटे होने के बावजूद तमाम सुविधाएं जो आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। आपने मुझे विधायक बनाया, मैंने जितना संभव हो सकता था देश की आजादी के बाद से अब तक जितने भी विधायक हुए होंगे, जितने एमपी हुए, सबने मिलकर जितना आपके लिए विकास का काम नहीं किया था उतना अकेले मैंने 5 सालों में आपके लिए किया है। आप बताइए आपके घरों में 20 घंटा बिजली आती है कि नहीं आती है? आती है। परस्त लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, 15 लाख का लालच देकर के दिल्ली में सरकार बना ली और फिरका परस्त हाथों को दिल्ली की गद्दी से हटाने के अखिलेश जी और राहुल जी के बीच का 2017 में आपके बदौलत इस गठबंधन की सरकार बनी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, उसी दिन से मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू। और 2019 का जब चुनाव आएगा, यही राहुल जी अखिलेश जी की जोड़ी, इन दो नौजवानों की जोड़ी दिल्ली की गलती से मोदी और साफ मोदी के लिए गठबंधन हुआ है। अब आप मेयर के झगड़े में, चक्रोड के झगड़े में, नाली के झगड़े, राशन के झगड़े, बाई के झगड़े, आप अपने बच्चों को कैसी सरकार लाना चाहते हो? आप बताइए, इस देश के आजाद में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सबको अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म की मनाने की आजादी है कि नहीं? आप हमारे प्रत्याशी जो है अलई जी, जो विधायक जी भी हैं, उनको आप पूर्ण ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता के तो भेजेंगे ही साइकिल का बटन दबा के, लेकिन आप अपने भैया को भी मजबूत बनाने का काम करेंगे। आप अपने भैया को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का भी काम करेंगे। 20 घंटे बिजली आ रही है, 24 घंटे बिजली लानी है कि नहीं लानी है? ललई जी ने 20 घंटे तो पहुंचा दी, इनको जब ऊपर फिर से पहुंचाएंगे कहां पे, विधानसभा में, तो 24 घंटे बिजली लाने का काम भी यही करने वाले हैं। जो साइकिल बचाने वाले अखिलेश को सुरक्षित दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति पैदा करने वाले लोग हैं, उनमें से ललई प्रमुख। इसलिए इनके सामने जो उम्मीदवार हों उनकी जमानतें जब्त करा देना। शैलेंद्र यादव ललई जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लाइट की व्यवस्था है यहाँ पे, मतलब कोई परेशानी का काम ललई जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, लाइट भी अच्छी आ रही है, सड़क भी बन गई है, और हम लोग सब सपा की वोटिंग करेंगे शैलेंद्र यादव ललई जी को। तो लैपटॉप हुआ, लैपटॉप भी कम से कम 10 लोग पाए हुए, साइकिल पाए हुए, कन्या विद्या धन का वो जो है शादी का जो योजना है उसके तहत भी 10-15 लोग जो है लाभान्वित हैं, जो कि साइकिल पाए लड़कियों के लिए, जो है पैसा 20,000 रुपया उनको मिला है। सब तो सारी बातें नहीं है जो मान लीजिए है। हाँ, रोड बा, शौचालय बा, नाली बा, सड़क बनी है, बनता बहर घरों कुल बना बा, आवास 13-14-15 कितना आवास आया है इनको, बना था इनको, आवास दिया है और रोड भी हमारे गांव में बनवा दिए हैं, लाइट भी है, खम्बा खाली यही नहीं, बाकी लाइट सब बराबर आती है, शाम को 6 बजे लाइट आ जाती है, सुबह 8 बजे आ जाती है। बिजली मिलती है 24 घंटे, नहर सिंचाई फ्री मिलती है और विधवा पेंशन मिलती है
शिक्षा भी अच्छी समाजवादी, 100 नंबर गाड़ी से बहुत, 108 नंबर की एम्बुलेंस से बहुत गरीब आदमी सबका फायदा होता है। ललई जी तो भैया हम लोग बहुत सहमत हैं, आज 5 साल में बहुत काम किए हैं, केहू से कुछ लिहेन दिहेन नहीं, जब जा तत्काल मिलत है। 100 नंबर जोन अखिलेश यादव जी चालू किए हैं, 108 नंबर ऐसे बहुत सुविधा है, हम लोग झगड़ा लफड़ा तो 5 मिनट में गाड़ी पहुंच जाती, मतलब कार में तो कौनो कमी ना, आज तक कौनो सरकार इतना काम नहीं किए। न हुआ जो पिछले 5 बरस में हुआ है, जिला ग्राम तहसील शहर उन्नति में सब कुछ हुआ है। साइकिल को लगे पंख विकास के, यूपी फलक उड़ा है उड़ा है। उत्तर प्रदेश ये अखिलेश साथ में कितना आगे बढ़ा है बढ़ा है। बिन कहे ही कह जाता परिणाम बोलता है, काम बोलता है अधिकाम बोलता है, अंजाम बोलता है अधिकाम बोलता है। समाजवादी पार्टी को वोट दें।